हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एवरेस्ट कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में। देखिए, आज हम आपको बताएंगे कि वार्ड सदस्य की कहानी, जो वार्ड सदस्य ने काफी मेहनत करके, काफी संघर्ष भरा जीवन करके और एक वार्ड सदस्य बने। पिछले साल वो वार्ड सदस्य नहीं थे, पिछले बार वो आम जनता थे, लेकिन एक ब्लॉक के पदाधिकारी यानी कि प्रखंड के विकास पदाधिकारी के कहने पर यानी कि उनके ताना मारने पर वे वार्ड सदस्य बने। उनका यही कहना था कि आप एक प्रतिनिधि बन करके दिखा दीजिए, तो उन्होंने प्रतिनिधि उनको बन करके दिखा दिया। और अब यानी कि उस पदाधिकारी को पिछले बार देख लीजिए कि एक वार्ड सदस्य के खिलाफ जब इन्होंने कंप्लेन किया था या एक मुखिया जी के खिलाफ जब इन्होंने कंप्लेन किया था, तो उनके बचाने में सारा प्रखंड के विकास यानी कि पदाधिकारी, चाहे प्रखंड विकास पदाधिकारी हो, चाहे बीपीआरओ हो, चाहे जो भी पदाधिकारी हो, सभी पदाधिकारी मिल गए थे, जेई से लेकर के यानी कि पंचायत सचिव तक। और मुखिया जी को उन्होंने बचाने की कोशिश करने लगे, लेकिन जब अंत तक इन्होंने हार नहीं मानी और अंत तक इन्होंने मुख्यमंत्री का जनता दरबार तक इन्होंने उन लोगों को पहुंचा दिया, तब उन लोगों ने हार मान ली और तब उन लोगों ने गांव में आकर के इनसे माफ़ी मांगा और गांव के लोगों से माफ़ी मांगा। देखिए, आज हम जानेंगे वैसे ही वार्ड सदस्य की कहानी, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और सुनिए और इनकी कहानी से कुछ सीख लीजिए। अगर आपको इनसे से कुछ सीखने की ज़रूरत है, फ़ोन से बात करने की ज़रूरत है, तो इनका नंबर भी हम आपको डिस्प्ले पर दे देंगे और उसके बात जो है ना यानी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप उनसे कुछ सीख सकते हैं। तो धन्यवाद। चलिए वीडियो को अंत तक देखिए और वीडियो अच्छा लग जाए तो जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सर, आप अपना परिचय बताइए। सर, मैं शिवशंकर ठाकुर, डिस्ट्रिक्ट सीतामढ़ी, प्रखंड मेजरगंज, ग्राम गढ़वा बिशनपुर, पंचायत राज पचहरवा, वार्ड नंबर 14। अच्छा सर, आप जो बताए थे कि पिछली बार आप वार्ड नहीं थे लेकिन किसी पदाधिकारी के कहने पे आपको जनप्रतिनिधि बनने के आप उतारू हुए, तो ये उस यानी कि किस प्रकार से आप एक साधारण आम जनता से एक जनप्रतिनिधि इस बार बने? हम एक जब पंचायत में काम शुरू हो गया तो हम तो और पंचायत के और पंचायत में और वार्ड को तो देखने का ही नहीं था। गरीब वर्ग से सर बिलोंग करते हैं, मेरे पंचायत में 7 निश्चय का काम हुआ तो मैंने उस जनप्रतिनिधि से कहा कि भैया देखो, बहुत दशक बीत जाने के बाद हमको पंचायत में अगर गवर्नमेंट वार्ड में गवर्नमेंट पैसा दिया है तो इसको सही ढंग से काम करें। अच्छा, तो वार्ड सदस्य जैसे आनंद फानंद में उनको कुछ लोग मैंने ही करने लगे, यही सब कहने से क्या होता है नहीं होता है। अच्छा। हाँ, तो हमने कहा कि ठीक है, जब नहीं होता है, उसने कुछ अभ्रंश भाषा भी बोल दिया। हम तब जा करके एक आवेदन लिखे डीएम सर के नाम से कि डीएम सर, इस तरह के वार्ड में सात निश्चय से काम हो रहा है, आप जो है से इस पर ही कीजिए। उन्होंने मेरा आवेदन ले लिया। अच्छा, और हम समझे कि कोई कार्रवाई नहीं हुआ। कुछ दिन बीतने के बाद पता चला, मेरे मोबाइल पर मैसेज आया कि आपका अमुक तारीख को अनुमंडल में आपका सुनवाई है। हम गए तो वहाँ से हम अपना सुनवाई किए, वीडियो सर नहीं माने। अच्छा, कई एक तारीख दौड़े, लमसम 4-5 महीना दौड़े, मैं एक भी तारीख नगा नहीं किया। अच्छा, हर सुनवाई में गए, पदाधिकारी मानने का तैयार नहीं हुआ। दैट इस आवेदन से क्या होता है? फिर हमने क्या किया जो है सो अपना निरंतरण लड़ाई जारी रखा। इस बीच में हमको बहुत सा कर कठिनाई आया, कठिनाई तो इतना आया कि जान से मार देने के ही धमकी मिलने लगा पदाधिकारी से लेकर के जनप्रतिनिधि तक। अच्छा, पर हमने भी एक गरीब होते हुए भी ठान लिया कि देखो भैया, जब हमने लड़ाई में आया है तो सत्य क्या है इसको उजागर करके रहेंगे। अच्छा अच्छा, तो हमने जैसे सर क्या कहते हैं, हर तारीख जाते रहे, पदाधिकारी को नोटिस होते रहा, पदाधिकारी नहीं सुने, अंत में उन पर कार्रवाई का नोटिस हो गया। अच्छा, तो पदाधिकारी संज्ञान लिए, गए तारीख पर। अच्छा, फिर मैंने जो तंत्र है पदाधिकारी का, वो सोचे जैसे कि इसको गोबर माटी लगा देते हैं, घोल मोल देते हैं इसको। अच्छा, हमने फिर जैसे प्रथम अपील में गए, वहाँ भी हमको वही लोग कहा पदाधिकारी की है, जैसे कहाँ तक तू जाएगा, क्या करेगा। हम कहे सर, हम तो गरीब है, चंदा मांग के जीने वाले हैं, देखेंगे कहाँ तक जाना है, मगर इसको उजागर करके ही रहेंगे। इस तरह से ही करते करते मैं, मेरे ऊपर मुकदमा हो गया,
अच्छा हरिजन एक्ट लग गया, गलत सलत आदमी से मुकदमा करा दिया गया। अच्छा तो ये काम पदाधिकारी किया? नहीं नहीं प्रतिनिधि से करवाया पदाधिकारी। अच्छा ऐसे करो जो ऐसो की वो मान जाएगा। अच्छा 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 हाँ गलत तौर तरीका से मैंने क्या कहते हैं उसको हरिजन एक्ट लगवा दो, हरिजन एक्ट का दुरुपयोग करवा दिया लोग, छेड़खानी मामला का दुरुपयोग करवा दिया। इतनी बड़ी परेशानी को फिर कैसे आपने झेले और सरकारी पदाधिकारी से आपने किस तरह लड़ाई किया कि वो घुटने के बल टिकना पड़ा उनको? तो यही मैं एक भी तारीख नहीं छोड़ा, हर जगह जहाँ मेरा तारीख पड़ा मैं जाते रहा। अंत में ऐसा देखे कि जब द्वितीय अपील में गए वहाँ भी सुनने के राजी नहीं हुए, तारीख पर तारीख तारीख पर तारीख होता गया, कोरोना काल आ गया, कोरोना काल में सुनवाई बंद हो गया। अच्छा तब हम कहे कि अब ऐसे नहीं मानेंगे लोग। अच्छा तो हम क्या किए लोग, और दूसरे तरफ से ऐसे पदाधिकारी सुन नहीं रहे थे, दूसरे तरफ से दबाव बनाते थे कि इतना पैसा ले लो बैक हो जाओ, इतना रुपया ले लो बैक हो जाओ। तो हम अपना जो है से मोबाइल से क्या किए जो है से जनता दरबार में अप्लाई किए। अच्छा आप खुद किए? आप खुद किए? हाँ हाँ खुद किए, जैसे तैसे जो समझ में आया, रट के भाषा पढ़े लिखे तो है नहीं। अच्छा, अच्छा। मरता से था, जज्बा था, जुनून था लोगों का हक दिलाने के लिए। अच्छा तो मैं उस चीज को जो है लड़ाई लड़ते रहा, उसमें मैं वहाँ दरबार तक पहुँचा, वहाँ से मेरा कार्रवाई हुआ, तब तक चुनाव आया, यहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी से बात हुई तो कहे जैसे कि मान जाओ, हम कहे नहीं ऐसे नहीं मानेंगे, जो सत्य जब तक आप नहीं कीजिएगा तब तक नहीं मानेंगे। वो कहे कि इतना ही है तो प्रतिनिधि बन के आओ। हमने उसी दिन कह दिया कि सर प्रतिनिधि तो मेरा 100% ही तय है। अच्छा और ये मान लीजिए कि हम पंच से प्रमुख तक आवेंगे। अच्छा और लोगों का विश्वास जगा मेरे प्रति, मुझे लोग प्रतिनिधि बनाया। अच्छा तो और आज भी मैं पदाधिकारी से यही कहता हूँ कि सर आप काम देकर देखिए, अगर अपने काम से मैं अपने वार्ड को आदर्श नहीं घोषित कर दिया, आदर्श घोषित करके आपसे सर्टिफिकेट नहीं ले लिया तो देख लीजिएगा। अच्छा मगर आज के भी मुखिया जी का जो टीम है, मुखिया जी लोग का संघ है, तो किसी वार्ड सदस्य को मानने की राजी मर्जी में नहीं है। अच्छा हमने शुरू समय में ही जब उप मुखिया का चुनाव हुआ तो उप मुखिया में से मुखिया जी को क्या लेना देना है, वार्ड का बात था। सही बात। तो वार्ड सदस्य अपना उप मुखिया चुनते, मुखिया जी जैसे तीव्र गति में आकर के वार्ड सदस्य को उठाना शुरू किए, जैसे कि पंचायत समिति को प्रमुख बनने के लिए लोग उठाते हैं, बुलाते हैं, लुभाते हैं। अच्छा तो उसके बाद मुखिया जी का कुछ रवैया मैंने गड़बड़ हुआ तो हम लोग उस पर भी आवेदन किए। अच्छा फिर आ करके अभी तक तो न कोई बात हुई है, न कोई खाता खुला है, न एक रुपया डलाया है। अच्छा मुख्यमंत्री को जनता दरबार में जो आप गए जी जी, तो वहाँ से उस प्रतिनिधि या पदाधिकारी के ऊपर कोई कार्रवाई हुआ कि नहीं हुआ? तुरंत तत्क्षण वहाँ से मैंने डिस्ट्रिक्ट पदाधिकारी को जैसे कॉल किया गया और इन लोग संज्ञान में आ गए और तारीख पर यह हो गया कि आज पदाधिकारी नप जाएंगे। अच्छा, आज जनप्रतिनिधि नप जाएंगे। अच्छा अंत में जो पहले के प्रतिनिधि थे वो पूरे समय मेरा पैसा दे रहे थे, मैं नकार दिया, मैं कहा कि नहीं तू समाज का लूटा है। अच्छा। गबन किया है तो समाज के समक्ष जैसे माफी मांगो। अच्छा। जो आने वाला दिन में हम हो या कोई हो इस तरह का गलत मैंने जनता का ही न शोषण न करे। हाँ हाँ फिर जाके माना लोग अपना केस उठाया। अच्छा तो यानी कि फिर वे घुटने टेक गए पदाधिकारी भी? हाँ हाँ पूरा पूरा तरफ से घुटना टेक गए। अच्छा चलिए तो यानी कि अगर इतना सही काम आप किए हैं तो जनता आपके साथ दे रही है कि नहीं दे रही है? 100% नहीं, 110% जनता मेरे साथ है। यानी कि ये बात सत्य है कि सही काम करने वाले को जनता साथ देती है? हर समय विजय होगा, पर मतलब सत्य को परेशानी होगा, परास्त नहीं हो सकता है अगर सत्य के राह पे चल रहे हैं।
सत्य परास्त नहीं होता है, सत्य परेशान होता है। तो परेशानी झेलने का जज्बा है, सही काम करके देने का ये है। तो मैं तो कल भी दो चार, कल के डेट में भी मैं दो चार मैंने लोगों को पेंशन अप्लाई किए हैं। कल के डेट में दो चार आदमी के राशन कार्ड अप्लाई करवाए हैं। हर समय तत्पर है कि भाई किसी तरह से मेरे जनता को जो है सो जो उसका सुख सुविधा मिलने वाला है वो मिले। चलिए अच्छी बात है। अच्छा हाँ। एक और बात हम आपसे करना चाहते हैं कि अभी तक जो आप लोग का जो खाता नहीं खुला है और जो नल जल का ये हो सकता है प्रभार अभी तक नहीं दिया गया है, तो इस सब पे आपने विचार नहीं किया है जी क्या करना है? हर संभवत हम मुखिया जी से मिल के यह चीज चाह रहे हैं कि सबको हो। मेरा तो खाता खुल गया क्योंकि लोग जान रहा है कि रे भाई इसका खाता नहीं खोलेंगे तो जैसे कि कुछ उठा दे सकता है। अच्छा अच्छा, यानी मेरा तो हो गया। और जो मुखिया जी के इर्द गिर्द में चक्कर लगाने वाले वार्ड सदस्य लोग हैं, उन्हीं का आज तक न खाता खुला है, न ओडीएफ के सर्वे करके दिया गया है उनके द्वारा, न उनको सिरपोही होता है। जो दिन भर वो मुखिया जी के साथ घूमेंगे, पदाधिकारी के साथ मीटिंग के समय में वो बाहर बैठेंगे। अच्छा, तो यानी कि ये बात सत्य है कि जन संघर्ष जो लोग करते हैं उनसे वो पदाधिकारी या मुखिया भी डरने लगते हैं ना? एकदम 100% डरते हैं, मगर अपने आप में जज्बा हो तब, कल बीके नहीं तब। सही बात। अच्छा, आपको कोई पंचायत में कोई काम करने के लिए आपको यानी कि मिला है कि नहीं, या किसी प्रकार का आश्वासन किसी जनप्रतिनिधि? हाँ, हमारा तो जनता क्या, हम जितना योजना दिए हुए हैं वो हमारा योजना होना तय होता है। आपको मिलेगा ही क्या? हाँ हाँ, 100% मिलेगा। ना मिलेगा तो फिर मैंने वो कहावत है। अच्छा अच्छा, गोस्वामी जी रामायण में लिखे कि हो ही जो राम रचि राखा आ को कही तर्क बढ़ावो साखा। अच्छा हाँ, आपका तो संघर्ष बहुत अच्छा लगा, हमें लगता है कि बहुत सारे वार्ड सदस्य इससे यानी कि सीखेंगे। लेकिन अगर कोई नया वार्ड सदस्य बने हैं जो अपना संघर्ष बढ़ाना चाहते हैं, वो किस प्रकार से बढ़ाएंगे थोड़ा सा? उस रास्ते पे चले और जहाँ मैंने ये होता है वो हमसे संपर्क करे, मेरा नंबर ले और हम सदैव उनके साथ रहेंगे। चलिए, आपका नंबर हम जो भी सीतामढ़ी या जो भी बिहार के कोई वार्ड सदस्य अगर आपसे संपर्क करेंगे तो आप मैंने उनके प्रखंड से लेके जिला स्तर तक एक लड़ाई में हम उनके साथ रहेंगे। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और हमें इतना विश्वास है कि जो भी वार्ड सदस्य अगर हमारे माध्यम से आपके पास जाएंगे आप उनका हर संभव मदद करेंगे। वेलकम रहेगा मेरे तरफ से बलिराम जी, वेलकम रहेगा मेरे तरफ से। चलिए चलिए, तो फिर हम आपसे अगर कोई और कोई सुझाव हो तो वार्ड सदस्य संबंधी मामले में हम आपसे जरूर लेते रहेंगे। जी जी, कहावत। और आने वाला समय में आप लोग जो जो वीडियो दिखाते हैं सबको हम फॉलो करते हैं, हम सब देखते हैं। हाँ, और हर मैंने का मैंने मैने हम ये निकाल लेंगे जैसे। चलिए, उसका निष्कर्ष है बहुत, जो बहुत अच्छा लगा कि आप जैसे संघर्षशील प्रतिनिधि भी हमारे इस बातों को देखते हैं। जी, लेकिन हम कुछ बातों पे हम आपसे बात करना चाह रहे हैं कि जैसे कुछ वार्ड सदस्य जो है अभी डायरेक्ट केवल सोच रहे कि योजना हमें मिल जाए, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप अपने जनता के साथ रहिए, आप अपने जनता को विश्वास जीतिए। हो सकता है आज के मुखिया जी जैसे जो घेराबंदी कर रहे हैं उसमें अगर आपका जनता आपके साथ नहीं है तो आप कहीं नहीं लड़ाई में सक्षम हो सकते हैं। आपको डरा दिया जाएगा, धमका दिया जाएगा। मुखिया लोग बहुत से हमारे मैंने वार्ड सदस्य भाई है जो आरक्षण के तहत आते हैं, हम भी आरक्षण के तहत आते हैं, मगर हम जैसा जज्बा सब में नहीं हो सकता है। सही बात है। मैंने बिहार की राजनीति जातीय ही संप्रदाय से जुड़ा हुआ होता है। अच्छा, जो जहाँ बहुसंख्यक है वो लोग चाहेंगे कि दबा के रख दें। अच्छा अच्छा, चाहेंगे कि हमारे ही पंचायत में एक वार्ड सदस्य है जिसको जैसे मुखिया का ग्रामीण है, उस वार्ड सदस्य के क्षेत्र में मुखिया जी जबरन काम करा लिए, वार्ड सदस्य का कहीं भूमिका नहीं रहा।
वो हमसे पूछता है, तो हम कहे भैया तू आगे बढ़ो, तू आगे बढ़ो, पीछे से हम तुम्हारे साथ है। चलिए सही बात है। हाँ? आप जैसे अगर नहीं लिखना जानते हैं तो हमसे मिलिए, हम उसका जो है लिख करके आपको देते हैं, हम उसका जो है लिख करके देते हैं, जो आप बढ़ो तो, आप नहीं बढ़ेंगे, आप अपना अधिकार नहीं खोजेंगे तो कौन खोजेगा आपके लिए। चलिए सर, फिर एक एक व्यक्ति फिर एक बात करेंगे, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसीलिए फिर से सब लोगों का यानी कि हम आपका संघर्ष को भी बताएंगे और किस प्रकार से जनता के साथ लेंगे, सारी चीजों पे हम बात करेंगे। मैं तो संघर्ष इतना था सर कि मैंने 24 को मेरा तारीख था, मैं 3 किलोमीटर तक मैंने तैर के गया था तारीख पे। अच्छा। हाँ, कभी भी जान के परवाह नहीं, पैंट शर्ट खोल के माथे में बांध लिए और 3 किलोमीटर तक तैरते तैरते गए। यहाँ 30 रुपया भाड़ा लगना था, उस दिन मैं 600 रुपया भाड़ा लगाया था अप एंड डाउन। अच्छा। मगर गए पदाधिकारी जी कहे कि रे तू किस अवस्था में आ गया, हम जिला मुख्यालय का सारा मार्ग बंद है। हम कहे सर बस हमको तारीख पे आना था, आए हैं। अच्छा 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 एक बात और हम आप हमको बता दीजिए कि अगर कोई वार्ड सदस्य को अभी जनता अगर तहे दिल से साथ नहीं दे रहे हैं, अगर वो अपने जनता को साथ लाना चाह रहे हैं, वो यानी कि वे ये चाह रहे हैं कि हाँ जनता हमारा साथ दे, तो किस प्रकार के यानी कि जनता को अपना साथ देंगे कि वो जनता फिर उनको साथ देंगे? जनता खुद साथ देगी, जनता के लिए कीजिए ना, जनता तो चढ़ के आपके घर तक रोज ताता मेरे यहाँ लगा रहता है। अच्छा। मैं सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे 9 बजे तक वार्ड में एक चक्कर निश्चित मारता हूँ। सुबह 6 बजे जाते हैं ना तो 9 बजे 10 बजे तक आते हैं घूम के, फिर भी कोई किसी से मुलाकात नहीं हुआ, काम है तो मेरे घर पे आते हैं और अपना आवेदन अपना मैंने जो काम है वो दे के मेरे घर पे जाते हैं, हम उसको ब्लॉक में ले। क्या वो जनता मेरे साथ नहीं रहेगा? रहेगा, क्योंकि हम उसके लिए समय देते हैं, उसको जहाँ जरूरत होता है वहाँ बुला के ले जाते हैं। आधार के लिए मारामारी था, बहुत दिन से आधार बनता, आधार सेंटर पर चढ़ के खोलवा दिया और वहाँ जैसे लोग को 10 गो फोन तो रोज करके बताते हैं कि भैया मेरे यहाँ से ये लोग जा रहे हैं आधार बनाने, उसका नंबर लगा लीजिए, जो आपका उचित शुल्क है ले लीजिए, उसका आधार बना दीजिए। सही बात। अच्छा, क्या यानी कि कोई भी वार्ड में यानी कि केवल सरकारी योजना जैसे रोड सड़क हो गया, चाहे किसी भी प्रकार का पीएम आवास हो गया, ये सब के अलावे भी तो बहुत सारा काम है, ये भी तो वार्ड सदस्य करके अपना जीवन है जी। आप अगर खुद एक्टिव है तो लोग का वृद्धा पेंशन है, लोग का राशन कार्ड है, लोगों का जैसे मूलभूत काम तो यही है, योजना तो सिर्फ कमाने का है, कमाने का जी, जनता तो साथ यही काम, जनता तो साथ ही, जनता का राशन चाहिए, पेंशन।